अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपने विकेट पर जब धोनी के अंदाज में रोहित ने रिव्यू लेकर पूरे मैच का पासा ही पलट दिया, तब वो नजारा देखकर तो न केवल हर किसी को धोनी की याद आई बल्कि खुद धोनी तक हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे रोहित ने अपने फैसले से इंग्लिश टीम क्या एम्पायर तक की बोलती बंद कर दी। आखिर क्या था वो मोमेंट जब एक बार फिर रोहित ने साबित कर दिखाया कि वो धोनी जितने ही काबिल हैं। कैसे धोनी ने रोहित के उस फैसले का मनाया जश्न, उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित धोनी और कोहली में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों धर्मशाला के मैदान पर पहले दो सेशन में इंग्लिश टीम इंडिया के सामने घुटने टेक चुकी थी। अश्विन और कुलदीप के तूफान में इंग्लैंड केवल 218 रन ही बना पाई और उनके 10 बल्लेबाज ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तो टीम इंडिया की बहुत जल्द बल्लेबाजी आ चुकी थी और आते ही मैदान में रोहित के साथ मिलकर यशस्वी ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी, लेकिन इस दरमियान रोहित के साथ एम्पायर ने बेईमानी कर दी। एम्पायर ने रोहित को आउट दे दिया था, लेकिन तब रोहित ने चालाकी दिखाते हुए धोनी की तरह जो किया उसने तो पूरी दुनिया को रोहित को सलाम करने को मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रोहित दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे तभी पारी का सातवां ओवर लेकर आते इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज जेम्स एंडरसन। उनके कंधों पर रोहित शर्मा को आउट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाया। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा चकमा खा गए और विकेट के पीछे विकेट कीपर के एक शानदार कैच लपक कर रोहित शर्मा के विकेट के लिए अपील कर दी। यहाँ तक कि जेम्स एंडरसन ने भी जोरदार अपील करी और ग्राउंड एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई। ये देखकर तो रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ और उन्होंने भी बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत ग्राउंड एम्पायर के फैसले को चैलेंज करते हुए रिव्यू लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने रिव्यू का इशारा किया और अब ये विकेट थर्ड एम्पायर के पास जा चुका था। रोहित को पूरा भरोसा था कि वो नॉट आउट है और जब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो गेंद रोहित शर्मा के बल्ले में दूर दूर तक नहीं लगी थी, वहीं बल्कि वो तो उनके थाई पैड में जाकर लगी थी, जिससे आवाज आने के कारण ग्राउंड एम्पायर ने रोहित शर्मा को आउट दे दिया था। जैसे ही थर्ड एम्पायर ने यह देखा मानो पूरे स्टेडियम में खुशी की एक लहर दौड़ गई। ग्राउंड एम्पायर को मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ा और रोहित शर्मा के फैसले के आगे पूरी की पूरी इंग्लैंड को झुकना पड़ा। इंग्लैंड ने तो उनके विकेट का जो बेहद जोरदार जश्न मनाया था, लेकिन वो सब पानी में चला गया और रोहित ने जिस तरीके से रिव्यू का इस्तेमाल कर साझेदारी दिखाई और अपना विकेट बचाया, हर किसी को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई, क्योंकि धोनी भी ऐसे ही अपने रिव्यू से पूरे मैच को पलट देते थे। ये देखकर तो रोहित शर्मा की पत्नी रितिका से लेकर स्टेडियम में मौजूद महेंद्र सिंह धोनी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो भी बेहद खुश थे और उन्हें रोहित पर गर्व हो रहा था। जहां अब ये लम्हा तो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।